हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसने हु रॉट मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स 1977? अमर्त्य सेन, मैकपर्सन, बार्कर राल्फ मिलीबेंट। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सिज्म पॉलिटिक्स बुक किसकी है? मिलीबेंट की है। किसकी बुक है? मिलीबेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पेयर देखने हैं करेक्ट कौन से हैं। ग्राहम वालास, ह्यूमन नेचर, आर्थर बेंटले का प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कैटलिन का साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, हैरोल्ड डी लास्वेल का पॉलिटिक्स, हु गेट व्हाट व्हेन हाउ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी, बी और सी, सी और डी, या ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑल ऑफ दी अबव इज अ करेक्ट आंसर। ग्राहम वालास की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ऑर्थर बेंटले की है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जीईजी कैटलिन की साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, हैरोल्ड डी लास्वेल की पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। नेक्स्ट है कि हु कंट्रीब्यूटेड हिज पेपर द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म इन पॉलिटिकल साइंस इन 1967। तो 1967 में राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के वर्तमान अर्थ नामक पत्र का योगदान किसने दिया? हॉब्स ने, हैरोल्ड जे लास्की ने, टी एच ग्रीन ने, या डेविड ईस्टन ने? करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, राइट आंसर इज डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज आर्टिकल ऑन द पॉलिटिकल बिहेवियर इन द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज पब्लिश हुई 1968 में, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था इस सीरीज़ में? तो ये किसका था? लियो स्ट्रॉस का था, शेल्डन वॉलिन का था, हिंजिल्यू का था, या नन ऑफ दी अबव? ये हो जाएगा हिंस इल्यूस। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टर्न इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बताए थे 8, है ना, तो इसमें से कौन सा नहीं है? रेगुलरिटीज, वर्टिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, या गाइडलाइंस? तो जो बिहेवियरिज्म था उसमें उन्होंने 8 मेजर टेनेट्स बताए थे, रेगुलरिटीज बताया, वर्टिफिकेशन बताया, क्वांटिफिकेशन बताया, गाइडलाइंस नहीं बताया था। ठीक है, प्योर साइंस वैल्यू ये बताए थे ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लियो स्ट्रॉस का। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी जनरल ऑफ पॉलिटिक्स, शेल्डन वॉलिन का पॉलिटिकल थ्योरी एज अ वोकेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, थॉमस कुन का द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो ये क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, सबसे पहली बुक हो जाएगी 1957 की, 1957। दूसरी बुक हो जाएगी 1969 की, और तीसरी बुक हो जाएगी 1962 की। तो इस हिसाब से राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? बी। पहला 1957, दूसरा 1969, और तीसरा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कर नहीं है सही? द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ टाइपिकल वर्जन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट फ्रॉम अ लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस थ्योरी ट्रीट द स्टेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ मैन क्रिएटेड विद अ डेफिनाइट पर्पस टू सर्व सर्टेन सोशल नीड्स, द ग्रोथ ऑफ द फिजिकल साइंस इन 17th सेंचुरी यूरोप टेंटेड टू ट्रांसफॉर्म मैन आइडियाज अबाउट सोसाइटी एंड स्टेट, द आइडिया ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंड इन अ
रूडिमेंट्री फॉर्म इन एशियन थॉट बहुत द ईस्ट एंड द वेस्ट, हिंदी देखेंगे। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के बारे में कौन सा सही नहीं है? उदार दृष्टिकोण में राज्य की उत्पत्ति का एक विशिष्ट संस्करण, ये ठीक है। सिद्धांत राज्य को पुरुषों को आपसी समझौते के उत्पाद के रूप में मानता है, ये भी ठीक है। 17वीं शताब्दी में विज्ञान की वृद्धि समाज के राज्य के पुरुषों के विचार को बदलने के लिए हुई, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डी, आप देखो एक अनुबंध के माध्यम से राज्य के निर्माण का विचार पूर्व पश्चिम दोनों के प्राचीन विचार में अल्पविकसित रूप में पाया जाता है, ये भी ठीक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 37 का अगर आप देखो, कौन आर्ग्यू करता है कि इफ द मोनार्क एवर बिहेव्ड इन अ डिस्पोटिक मैनर द पीपल हैड राइट टू रिमूव हिम फ्रॉम अथॉरिटी। यदि सम्राट ने कभी तुच्छ तरीके से व्यवहार किया तो लोगों को उसको हटाने का अधिकार होगा। यहाँ पर आप सबको पता ही है वो कौन रेवोल्यूशन करने के लिए बोल देते हैं, कौन बोलते हैं रेवोल्यूशन करने के लिए, रुको, लॉक है ना, रूसो नहीं होगा, कौन बोलते हैं, लॉक बोलते हैं, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, यस लॉक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग हॉब्स। हॉब्स ग्लूमी पिक्चर खींचते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, जो नेचुरल कॉलरी इनके कॉन्सेप्ट ह्यूमन नेचर में। हॉब्स पोस्टुलेट करते हैं मैन सेल्फिश होता है नेचर से, सेल्फ इंटरेस्ट उसके मेन स्प्रिंग होती है ह्यूमन एक्शन की, या नन ऑफ दी अबव। 38 का डी अगर आप देखो, इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। हॉब्स जो बताते हैं प्रकृति की स्थिति का एक उदास चित्र दे खींचते हैं, जो उन्होंने ह्यूमन नेचर पर बताया। हॉब्स बताते हैं कि जो मैन होता है वो सेल्फिश होता है, सेल्फ इंटरेस्ट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हु सेड ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ अ स्टेट ऑफ पीस गुडविल म्यूचुअल असिस्टेंट एंड प्रिजर्वेशन इट इज़ अ स्टेट ऑफ लिबर्टी नॉट अ स्टेट ऑफ लाइसेंस। तो ये किसने बताया था, ये किसने कहा, ये कहा था लॉक ने। किसने कहा शांति सद्भावना पारस्परिक सहायता और संरक्षण की स्थिति है, ये स्वतंत्रता की स्थिति है, लाइसेंस की स्थिति नहीं है, तो लॉक। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन फर्स्ट प्रोमिनेंट थिंकर थे लिबरल थिंकर जिन्होंने स्टार्ट किया डिफेंस ऑफ लेजिस्लेचर इंडिविजुअलिज्म को और रियलाइज किया वीकनेस ऑफ लाइट ऑफ न्यू सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज, और वो प्रोसीड करते हैं मॉडिफाई करते हैं इसको। पहले प्रमुख उदारवादी विचारक कौन थे जिसकी शुरुआत लेजिस्फेयर व्यक्तिवाद की रक्षा के साथ हुई थी, नए सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के प्रकाश में अपनी कमजोरियों का एहसास होने पर वैसे संशोधित करने के लिए आगे बढ़े, तो ये कौन है भाई, ये जॉन स्टुअर्ट मिल है। आप सबको पता ही है ये पहले नेगेटिव लिबरल थे, ये पहले क्या बोलते हैं, पहले ये प्रतिबंधों पर बात करते हैं कि उचित प्रतिबंध, मतलब प्रतिबंधों को है ना, प्रतिबंध पर बोलते हैं ये, इनकी सबसे पहले नेगेटिव थे है ना, ये इंडिविजुअलिज्म को प्रेफर करते थे, लेकिन बाद में ही कैसे हो गए, ये पॉजिटिव लिबरल बन गए, तो ध्यान रखिएगा। सो इसके साथ साथ मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं अकेडमी पे, डिटेल कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर, क्रैश कोर्स चल रहा है 11 AM, स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही हैं, जो स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। प्राइस हाइक हो चुका है आप लोगों का 18 तारीख, ठीक है, आज कल तक था आपका, यूज़ कर सकते हो मेरा रेफरल कोड अगर आपको न्यू प्राइजेस पे सब्सक्रिप्शन लेना है। रिवीजन सीरीज चल रही है MCQs पर, पॉलिटिकल साइंस पर 4 बजे, और मॉक टेस्ट होता है संडे को और वेडनेसडे को 9 बजे, तो जो बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, सो मैं आप लोगों को नए सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस के साथ आप लोगों को मिलूंगी, ठीक है, यूज़ करिएगा मीनाक्षी लाइव जब भी आप आओ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।